काष्ठी संगमणि वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देव व्यदध पुरुत्रा भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार। वृहत्तर भारत। पृथ्वी पर मानव सभ्यता के विकास क्रम के निर्धारण को लेकर निरंतर शोध किए जा रहे हैं। इन शोध कार्यों के परिणामों को अत्याधुनिक उपकरणों के प्रयोग ने सटीक और विश्वसनीय बनाया है। भारतवर्ष में पुरातात्विक उत्खनन में कई स्थानों पर प्राचीनतम बस्तियां ज्ञात हुईं, जिनका कालखंड महाभारत और रामायण काल से भी ज्यादा प्राचीन उद्घाटित हुआ है। साथ ही यह भी प्रमाणित हुआ है कि भारतवर्ष से ही मानव सभ्यता की शुरुआत हुई है। भारतवर्ष में 9000 वर्ष पूर्व मानव सभ्यता के विकास के प्रमाण मिले हैं। इसे ही वैदिक सभ्यता कहा गया है। शोधकर्ता सरोज बाला की पुस्तक महाभारत की कहानी विज्ञान की जुबानी में ऐसे अनेक साक्ष्यों के माध्यम से यह उद्घाटित किया है कि वैदिक सभ्यता प्राचीनतम सभ्यता है। भारतवर्ष में सिंधु नदी क्षेत्र में मेहरगढ़ व किले गुल मोहम्मद, सरस्वती नदी क्षेत्र के भिरान्ना, राखीगढ़ी, बनावली व कुणाल, गंगा क्षेत्र के लहुरा देवा व झूसी, इन सभी स्थानों में मिले नमूनों तथा कलाकृतियों की रेडियो कार्बन तिथियां चौंकाती हैं। इन साक्ष्यों ने भारत में सभ्यता के विकास के प्रारंभ तथा विकास के चरणों को 2-3 सहस्राब्दी से पीछे धकेल दिया है और इन्हें 8000 वर्ष ईसा पूर्व से 2000 वर्ष ईसा पूर्व तक निरंतर विकसित हो रही सभ्यता से जोड़ दिया है। पिछले 30 वर्ष में आई पुरातात्विक रिपोर्ट भी यह प्रमाणित करती है कि सिंधु सरस्वती गंगा सभ्यता का विकास 7वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व से लेकर मूल भारतीयों ने स्वदेश में ही किया। इन उत्खननों में मिले नमूने और कलाकृतियां हुबहू वैसे ही हैं जिनका उल्लेख एवं संदर्भ वेदों और महाकाव्यों में मिलता है, तथा आज भी भारतवर्ष के निवासी इस तरह के नमूनों और कलाकृतियों का प्रयोग भी कर रहे हैं। भारतवर्ष में किए जा रहे शोध कार्यों से यह भी प्रमाणित हुआ है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता का इतिहास न तो हड़प्पा नामक सभ्यता से आरंभ हुआ और न ही इसके पतन के साथ समाप्त हुआ। 1500 ईसा पूर्व के आसपास न तो कोई आर्य मध्य एशिया से आए थे और न ही भारतीय असभ्य अथवा जंगली थे। भारत में संस्कृति और सभ्यता का इतिहास ऋग्वैदिक लोगों से प्रारंभ हुआ, जो सरस्वती एवं सिंधु नदियों के तट पर 8000 से 7000 वर्ष ईसा पूर्व में रहा करते थे। सिंधु सरस्वती गंगा और उनकी सहायक नदियों के क्षेत्र में उत्खनन किए गए हजारों स्थलों से यह ज्ञात हुआ है कि हड़प्पा स्थलों में खुदाई में मिले आवास ऋग्वेद रामायण तथा महाभारत में दिए विवरणों के अनुरूप थे। वैदिक भूगोल वास्तव में हड़प्पा सभ्यता के भूगोल का ही वर्णन करता है। इनमें से कुछ नदियों को नव्या झाझरानी के योग्य भी बताया गया है। इनमें से लगभग सभी नदियां अभी तक या तो उसी क्रम में प्रवाहित हो रही हैं या फिर उनके शुष्क चैनलों को दूर संवेदी चित्रों के माध्यम से उसी क्रम में चित्रित किया गया है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जलवायु तथा पर्यावरण को वेदों तथा महाकाव्यों में क्रमिक रूप से विस्तार से एवं सटीकता से वर्णित किया गया है, जिसका प्रारंभ वर्ष 9000 ईसा पूर्व में ग्लेशियरों के पिघलने से हुआ। उससे पहले हिमयुग था, उसके बाद बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की ओर मानसून के स्थानांतरित होने के कारण 5500 वर्ष ईसा पूर्व के आसपास अच्छा मानसून होने लगा तथा कृषि का विकास होने लगा। तदोपरांत 3500 वर्ष ईसा पूर्व से 2000 वर्ष
ईसा पूर्व तक संतुलित वर्षा की स्थिति रही और सभ्यता तथा संस्कृति का भरपूर विकास हुआ। तत्पश्चात शुष्क चरण का प्रारंभ हो गया। अतः यह जलवायु में परिवर्तन ही था जिसने समृद्धि को जन्म दिया, जिसके कारण प्रचुर मात्रा में फसलें हुई, समुद्री व्यापार हुआ, कला एवं शिल्प का विकास हुआ तथा एक सुनियोजित एवं सुप्रबंधित शहरी सभ्यता में लोगों के लिए जीवन यापन के अवसर पैदा हुए और फिर शुष्क मौसम के कारण ह्रास भी होने लगा। अधिकांश प्रख्यात पुरातत्वविद मानते हैं कि भारतवर्ष में प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता 4500 से 3000 वर्ष ईसा पूर्व में पल्लवित हुई और परिपक्व हड़प्पा सभ्यता 3000 से 2000 ईसा पूर्व में प्रफुल्लित हुई। वास्तव में यह महाभारत काल की वैदिक सभ्यता थी। हड़प्पा नाम तो केवल इसलिए दे दिया गया क्योंकि लगभग 90 वर्ष पहले उत्खनन हड़प्पा में हुए थे। हड़प्पा का उत्खनन सर्वप्रथम वर्ष 1920-1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। तत्पश्चात 3000 से अधिक स्थलों की खुदाई प्राचीन सिंधु, सरस्वती एवं गंगा नदी तंत्रों के क्षेत्रों में की गई है, जो हड़प्पा नाम से जानी जाने वाली सभ्यता के इतिहास को कम से कम 2-3 सहस्राब्दी पीछे का सिद्ध करती है। आज तक इस सभ्यता के लिए किसी भी उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग करने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है। पिछले कुछ वर्षों से पोसेहल, SR राव, SP गुप्ता, भगवान सिंह, RS बिष्ट, शिवाजी सिंह, इंदुधर द्विवेदी, कुलभूषण मिश्र और विमल तिवारी जैसे कई प्रतिष्ठित पुरातत्वविदों ने कुछ यथार्थवादी एवं प्रासंगिक शब्दावली देने का प्रयत्न किया है। इन पुरातत्वविदों ने जो शब्द दिए हैं उनमें सिंधु सरस्वती सभ्यता, ग्राम अवस्था एवं नगर अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीयकरण युग एवं एकीकरण युग, वैदिक हड़प्पा सभ्यता प्रमुख है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने यह प्रमाणित होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा था कि मुझे खुशी है कि जीनोमिक अध्ययनों से यह साबित हो गया है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास अज्ञात जैविक मूल के रहस्यमय लोगों या पश्चिमी एशिया में उच्च संस्कृति के केंद्रों से आए कथित प्रवासियों ने नहीं किया था। वास्तव में वे भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की पूर्व हड़प्पा संस्कृतियों से संबंध रखते थे और उन्हीं लोगों के वंशज थे। मैं प्रसन्न हूँ कि आधुनिक तकनीक के प्रयोग के माध्यम से भारतीय पुरातत्व की अवधारणा में भी परिवर्तन हुए हैं और शोधकर्ताओं को भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता की स्वदेशी उत्पत्ति तथा विकास को साबित करने में मदद मिली है। अर्थवाद। पूर्व मीमांसा दर्शन में अर्थवाद का अर्थ है प्रशंसा, स्तुति अथवा किसी कार्य को सिद्ध कराने के उद्देश्य से इधर उधर की बातें जो कार्य को पूरा करने में प्रेरक हो। अन्यत्र 3 प्रकार बताए गए हैं। 1, गुणवाद, जिसमें मनुष्यों के साधारण ज्ञान के विरुद्ध वस्तुओं के गुणों का वर्णन मिलता है। 2, भूतार्थवाद, जिसमें वे वाक्य आते हैं जो मनुष्यों को ऐसी बातें बतलाते हैं जिनका ज्ञान वेद वाक्यों के अतिरिक्त और किसी प्रमाण द्वारा नहीं हो सकता। 3, अनुवाद, वे वाक्य जिनमें उन वाक्यों का वर्णन है जिनका ज्ञान मनुष्यों को पहले से है। मीमांसकों के मतानुसार ब्रह्मा, ईश्वर, जीव, देवता, लोक परलोक संबंधी वर्णन अर्थवाद मात्र है, परंतु शंकराचार्य ने इसका खंडन किया है।
विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार।